नहीं आप जरा ठहर जाए ना, किसी और को क्वेश्चन करने देगा। आपने कहा है कि दो चार हजार आपने कहा तादाद है, इससे ज्यादा तो आपने कंटेनर लगा रखे हैं जी। जितने तादाद थी 2-4 हजार की आप कह रहे हैं कि इतने उसमें तादाद है उसके कामकाज के अंदर। एक मिनट ठहर जाए, शायद जी करे बात। ऐसी इसकी मजम्मत करता है, ये जो है ये इसीलिए शायद ये जो है ये फितना और फसाद जो है ये उठाए हुए है कि ये मुल्क को डिरेल करना चाहता है, मुल्क को जमहूरी और आईनी रास्ते से जो है वो हटाना चाहता है ताकि मुल्क जो है वो नुकसान की तरफ और तबाही की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो कोई सियासी जमात, कोई सियासी कारकुन बशमूल इत्यादि हुकूमत और इत्यादि जमातों के जो है वो कोई इसको कबूल नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो कहना चाहता हूँ कि मार्शल ला लगाने वालों ने ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, किसी फर्द का नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये फैसला कर लिया है कि वो आइन के ताबे रहेंगे और इस मुल्क को आइन और जमहूरियत के रास्ते में। साहब आप कह रहे हैं कि उसकी तादाद जो है 2 से 4 हजार के दरमियान है, इससे ज्यादा तो आपने कंटेनर लगा रखे हैं। कहाँ पे लगे हैं कंटेनर बताएं, बताएं। नहीं आप इस्लामाबाद की जिस सड़क पे जिस मकान पे कंटेनर लगे मुझे बताएं। हर जगह पे पड़े हैं। नहीं मैं कहता किसी जगह नहीं लगे, साइड पे पड़े हैं। इमरान खान नियाजी पे से किसी लेवल किसी जगह पे कोई बात नहीं हो रही और इस बात की शहादत मैं ही नहीं दे रहा, वो खुद भी जो है उसकी हर तकरीर आप उठा के देख लो जो कल उसने तकरीर की है और आज जो सुबह की है, अगर उसकी किसी तरह की बात हो रही है तो फिर ये गुफ्तगू जो उसने की है ये इस तरह हो सकती है? आप खुद इस बात को जो है वो समझ सकते हैं? कोई बातचीत उनके साथ नहीं हुआ। एक मिनट, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती होगी बल्कि उसकी साजिश होगी और इमरान खान नियाजी जो है इसने कल जो मार्शल ला के लगने की बात की है या मार्शल ला के लगने को इसने वेलकम किया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। पूरी कौम, हर सियासी जमात, हर